This is your class 4 of subject Maths. I hope all of you fine and you are continuously practice of your worksheets. Today we will discuss about the worksheet 6 of the chapter 1, in which we will study and understand briefly about the expanded form. Expanded form of a numeral is the sum of the place values of each digit of the numeral. Means क्या expanded form क्या होती है? अगर हम कोई numeral लिखते हैं, numeral पता है ना बेटा, जिस तरह से ये numeral है, जब हम उसको sum of the place values, उसके digit जिन जिन places पर होते हैं उनका sum करके लिखते हैं, तो वो क्या बन जाती है? Expanded form. अब इसको example से अच्छे से clear करते हैं. Let's come to the example. This is a standard form and this is the expanded form. A standard form ko expanded form kaise banaya? Ye hai 876. To yahan par 8 digit kaun se place par hai? 1, 10, 100. To kaun sa place aa gaya iska? 100 place. To 800 aa gaya yahan pe. 7 kaun se place pe hai? 10th place par hai to 70 aa gaya. 6 kaun se place pe hai? 1st place par hai to yahan par kya aa gaya? 6 आ गया. टेक अदर एग्जांपल, इसमें क्या है? 3,65,032. अब यहाँ पर 3 कौन सी पोजीशन पे है? लैक्स पर है, तो 3 लैक्स लिख दिया मैंने. अब 6 है, 6 यहाँ पर 10,000 पोजीशन पर है बेटा, 10,000 पोजीशन पर है. कैसे? देखो, 1, 10, 100, 1000 एंड देन दिस इज 10,000. तो मैंने यहाँ पर 6 क्या लिख दिया? 10,000. देन 5 कहाँ पर है? 5 हमारा कौन सी पोजीशन पर है? 1000 पोजीशन पे है. फिर प्लस 0 कौन सी पोजीशन पे है? 100 पोजीशन पे है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया. 3 मेरा 3 टेंस पोजीशन पे, तो यहाँ 3 टेंस लिख दिया. प्लस 2 कौन सी पोजीशन पे है? 1s पोजीशन पर, तो यहाँ 2 1s. तो इस तरह से मैंने इस न्यूमरल को पूरी तरह से एक्सपेंड करके लिख दिया. क्लियर हो? Now we will understand this form with the help of fill-ups. बेटा, इस तरह से कोई fill-up भी आपकी worksheet के अंदर होते हैं, तो उसको किस तरह से अटैम्प करोगे बेटा? ये numeral है 3,01,783. तो इस तरह से आपको fill-up दिए होंगे, कुछ fill होंगे, कुछ blank होंगे. तो उस blank में किस तरह से लिखोगे बेटा? ये first क्या है हमारा? 3 lakh. तो यहाँ क्या fill कर दूँगी मैं? 3 lakh. तो lakh में कितनी zero होती हैं? 5. तो यहाँ पर कितनी ज़ीरो आ जाएंगी? 5 0. ठीक है बेटा, आगे ज़ीरो है, ज़ीरो हमने लिखा हुआ है. 1 1 कौन सी पोजीशन पे है? 1, 10, 100, 1000. तो 1 यहाँ पर 1000 पोजीशन पे है, तो यहाँ 1000 आ जाएगा. आगे 700 पोजीशन पे वो दिया हुआ है. नेक्स्ट ब्लैंक में 8 की बात होती है, तो 8 कौन सा है? 1, 10, 10 पोजीशन पे, तो यहाँ पर क्या आ गया? 80 प्लस में 3. तो इस तरह से मैं फिलअप को फिल कर सकती हूँ. एक अदर एग्जांपल लेते हैं. अब यहाँ पर इस तरह से न्यूमरल दिया हुआ है. अब 4 कौन सी पोजीशन पे है? यहाँ पर बताना कि लैक, लैक पोजीशन पर क्या है? 4 है, ऑब्वियस 4 है, तो 4 लिखेंगे. 10,000. अब देखो, यहाँ से आप स्टार्ट कर लिया करो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000. तो 10,000 पर क्या आ रहा है? 8 है. देन 1000 पर हमारा क्या है? 6 है. 100 पर क्या आ रहा है? 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे. देन 10s पर क्या है हमारा? 9. तो वी विल पुट 9 हेयर. नेक्स्ट 3 इज ऑन द 1s पोजीशन. इस तरह से हम अपने फिलअप्स को फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट पर चलते हैं. अब नाउ योर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन 3 डिफरेंट वेज. मीन्स क्या है कि नीचे कुछ न्यूमरल्स दिए हुए हैं, उनको आपने 3 डिफरेंट वेज से लिखना है. अब किस तरह से होगा? अब ये हमारा न्यूमरल है, अब इस न्यूमरल को मैंने 3 डिफरेंट वेज से लिखना है. तो फर्स्ट वे मेरा क्या है? 1 इज ऑन द लैक पोजिशन, तो आई राइट 1 lakh. प्लस दिस 1 इज ऑन द 10,000 पोजिशन, तो आई राइट 1, 10,000. दिस 3 इज ऑन द 1000 पोजीशन, सो आई राइट
3000. Then 6 is on the 100 position, then I write 600. 2 is on the 10th position, then I write 210s. And 5 is on the 1s position. So 5 1s is here. Clear ho gaya beta? Ek way to ye ho gaya. Next, ab beta main lakh, ye to number name ki tarah likha hai na. Agar main isko numeral ki form mein likho to lakh kaise likha jayega? Aise likha jayega. 10,000 kaise likha jayega? Aise likha jayega. 1,000 kaise likha jayega? Is tarah se likha jayega, 1,000 ki form mein. 100 kaise likha jayega? 100 ki form mein likha jayega. Tens kaise likha jayega? 10 की फॉर्म में लिखा जाएगा, वंस 1 की फॉर्म में. तो मैंने क्या किया, 1 लाख है ना जैसे, तो लाख लिखकर इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दिए. इस तरह से एक फॉर्म ये हो गई. अब इसको और भी शॉर्ट फॉर्म बनानी है, तो 1 को जब मैं लाख से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा लाख आएगा, 1 लाख ही आएगा. 1 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आ गया, सीधा भी लिख सकती हूँ मैं. 3 को 1,000 से मल्टीप्लाई किया तो 3,000 आ गया. देन 6 को 100 से किया तो 600 आ गया. 2 को 10 से किया देन 20. 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो देन 5 है. तो ये 3 वेज हैं जिस वेज से मैं एक नंबर्स को लिख सकती हूँ. नेक्स्ट पर चलते हैं. आई टुक अनदर एग्जांपल. नाउ माय न्यूमरल इज इन दिस फॉर्म. 3 डिफरेंट वेज आर हेयर. फर्स्ट वेज, 8 इज ऑन द लैक पोजिशन, देन 8 lakh. 0 is on the 10,000 position, then 0 10,000. This 0 is on the 1,000 position, then 0 1,000. 1 is on the 100 position, then 100. This 3 is on the 10th position, 3 10s. And 4 is on the 1s position, 4 1s. Next way is, I write lakh in the place of, I write 1 lakh here. Lakh की जगह पर क्या लिखा है? 1 lakh. 10,000 में same as a previous example. 10,000. Same here, 1,000 की place पर 1,000. 100 की place पर 100. 10s की place पर 10. And 1s की place पर 1. अब इसको और other form में लिखना हो तो 8 को lakh से किया. 8 lakh. अब देखो बेटा यहाँ पर देखो. यहाँ जीरो है. आप सभी को पता है कि जीरो को अगर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आती है. इसलिए मैंने यहाँ पर उसका फॉर्म नहीं लिखी. ये भी जीरो है. इसको भी अगर 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मेरा जीरो आएगा. तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी इस फॉर्म को मैंने नहीं लिखा. सिर्फ मैंने क्या लिखा है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100. 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30. 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4. तो ये मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, एक अदर वे हो गया. क्लियर हो गया बेटा? इस तरह से मैं किसी भी नंबर को 3 डिफरेंट वेज से लिख सकती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द स्टैंडर्ड नंबर्स. अब क्या है कि इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स दिया हुआ है, उसको स्टैंडर्ड में चेंज करना है. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि स्टैंडर्ड दी हुई थी, मैंने उसको एक्सपेंड में चेंज किया था. अब मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, उसको स्टैंडर्ड बनाना है. अब देखो 60,000 है, तो 60,000 तो मैंने उसकी जगह पर 6 लिखा. 8,000 मतलब 2,000 वाले हैं, तो 1,000 में आपने पीरियड वाले वर्कशीट में किया हुआ है ना, कि उसमें पीरियड वाली वर्कशीट में भी हमने प्लेस वाले चार्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सॉरी. तो उसमें 1,000 के अंदर दो पार्ट थे, 60,000 और 8,000, दो पार्ट हैं. तो यहाँ पर 68 बन जाएगा, 654. तो 654 को 654 इस तरह से लिखें. नेक्स्ट स्टैंडर्ड नंबरल इज 80,308. 80 इज ऑन द 1,000 पोजिशन, आई राइट 80 हेयर. 308 को कैसे लिखेंगे, 308. तो इस तरह से ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7,10,006. उसको कैसे लिखेंगे, 7 लाख पोजिशन पर सिर्फ सिंगल है तो 7,10,000 पोजिशन में 2 होते हैं ना, 2 वर्ड्स होते हैं, मतलब कि 2 पॉइंट्स होते हैं उसके, तो 106. अब 1s पोजिशन पर सिर्फ 6 है, पर आपने पीछे किया हुआ है वर्कशीट में कि इस 1s के पीरियड में 3 कैटेगरीज होती हैं, एक 1s, 10s और 100. पर यहाँ 1s पर सिर्फ 6 है,
तो टेंस और हंड्रेड पर मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने वहां पर जीरो इंसर्ट कर दी। क्लियर हो गया बेटा? ये थी आपकी वर्कशीट 6। बेटा होमवर्क में आपने सारी वर्कशीट जो जो आपको करवाई जाती हैं उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो बेटा। थैंक्स।